गुड मॉर्निंग, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको दूब घास को समूल नाश करने का तरीका बताती हूँ, किस तरह से आप कुछ घंटों में इसको समूल से नष्ट कर सकते हो। ये एक दूब घास है, किसानों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये खेतों के अंदर इतनी गहरी हो जाती है कि अन्य फसल हो नहीं पाती है इसके अंदर, तो इसको नष्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये अमोनियम होती है जो ग्लोरीशियन 1 नाम से सिस्टमेटिक हर्बिसाइड नाम की दवा होती है, 100 ग्राम का पाउच, और ये 100 रुपये का एक पाउच आता है, तो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है। और इसको आसानी से आप किसी भी जो बीज भंडार की दुकान है वहाँ से खरीद सकते हो, और इसको छिड़काव करना भी बहुत ईजी है। आप 1 kg यूरिया खाद लेकर और 1 पाउच इसका लेकर और घोल लीजिए, और फिर जहाँ तक आप छिड़काव कर सकते हो, 1 वो टंकी फुल पानी की होती है उसके अंदर इसको घोल कर छिड़काव करोगे, तो जितनी दूर में आए उतनी दूर में इसका छिड़काव कर सकते हो। ज़्यादा दूरी में करना चाहो तो 2-3 पाउच ले सकते हो, थोड़ी दूर में स्प्रे करना चाहो तो 1 पाउच लेकर और फिर इसका स्प्रे कर सकते हो। जैसे ही आप इसका स्प्रे कर दोगे तो आपके लगभग 6 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद ही आपकी जो भी दूब है, घास है, कोई अन्य खरपतवार है, वो जलना स्टार्ट हो जाएगी, येलो हो जाएगी उसकी लीफ वगैरह, और लगभग 4 दिन बाद पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। आपकी कैसी भी दूब है, कितनी भी दूरी में है, तो पूरी तरह से इस तरह से जलकर और पूरी नष्ट हो जाएगी। ये देख सकते हो, ये पूरी जली हुई है। और आप जो भी कोई, वैसे आपने कोई प्लांट वगैरह ग्रो कर रखे हैं तो उनकी साइड में जहाँ खाली जगह वहीं करना चाहिए। हो सकता है आप प्लांट छोटा है आपका, प्लांट भी स्प्रे कर दोगे तो प्लांट भी जल सकता है, तो पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। जहाँ जहाँ दूब है वहीं वहीं इसका स्प्रे करना चाहिए। और बड़ा प्लांट है और उसके साइड में भी इस तरह से फैल रखी है तो साइड में इसका स्प्रे कर सकते हो। छोटा प्लांट है तो उसके ऊपर आप टब वगैरह लगा सकते हो, उसको ढक सकते हो, उसके बाद स्प्रे कर सकते हो, जिससे पूरी तरह से इस तरह से पूरी जलकर और नष्ट हो जाएगी। 5 दिन के अंदर इस तरह से आपको पूरा ऐसे साफ दिखाई देने लग जाएगा, पूरा खेत बिल्कुल भी दूब नहीं रहेगी। और आप चाहो कि ये कभी ज़िंदगी में दोबारा नहीं हो तो एक बार इसका दोबारा से 7 दिन बाद स्प्रे कर देना चाहिए। एक बार में इस तरह से जलकर तो नष्ट हो जाती है, लेकिन 2-4 महीने बाद, महीने बार बाद वापस निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको परमानेंट ही यदि खोना चाहो, नष्ट करना चाहो खेतों से, तो इसका एक बार दोबारा से 7 दिन बाद स्प्रे कर दो, फिर देखना इसका चमत्कार। कभी ज़िंदगी में भी खेत में ये खरपतवार नहीं उगेगी। और इस तरह से इसको स्प्रे कर दो, तब उस टाइम में आपका खेत है उसके अंदर नमी रहना ज़रूरी है, तभी ये जड़ों तक पहुंच पाती है। बिल्कुल सूखे में इसका स्प्रे करोगे तो ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं होगी, इफ़ेक्टिव नहीं होती ज़्यादा, तो थोड़ा इसके अंदर है नमी रहना ज़रूरी है, जिससे ये रूट के अंदर पहुंच सके और पूरे जो भी जितनी भी घास है उसको आराम से जला सके। पत्तियाँ तो इसकी सूखे में भी जल जाती हैं, लेकिन इसकी रूट है वो गीले में ही जलती है, तो नमी हो उस टाइम इसका स्प्रे करना चाहिए। और ये यदि आपके भी है इस तरह से तो ज़रूर इसका स्प्रे करना चाहिए, जिससे आपको खरपतवार को निकालने के लिए ज़्यादा इसमें निराई गुड़ाई की ज़रूरत भी नहीं होगी आपको। और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह से मेरे प्रत्येक वीडियो में अपना सपोर्ट बनाए रखना। और ये खरपतवार नाशक दवा है, दूब घास नाशक दवा है, इसका स्प्रे एक बार ज़रूर करके देखना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। वीडियो शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू।